हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल का। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अभी अभी यूट्यूब पर एक एड्स लगाई गई है ऑनलाइन फ्रूट शॉपिंग के नाम पर, केसरी ड्राई फ्रूट्स के नाम पर, जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स लगाए गए हैं। और इसका एड्स सिर्फ यूट्यूब पर भी नहीं हो सकता, आपको सोशल मीडिया पर भी दिख जाए, गूगल पे सर्च करने के दौरान दिख जाए, किसी वेबसाइट पर दिख जाए तो आपको दिख सकता है, या हो सकता है कोई फ्रेंड आपको शेयर कर दे तो उस एड्स में इसी तरह के ड्राई फ्रूट्स लगे हैं। हो सकता है पिक्चर कुछ और हो, बदल जाती इनकी पिक्चर। तो जब आप इस एड्स पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट खुलेगी, और उस वेबसाइट का यूआरएल क्या है, केसरी ड्राई फ्रूट्स डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। इसके बारे में बहुत पहले आपको बता चुका हूं, अभी मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले मैं बता दूं कि क्या हो रहा है। देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स लगे हैं, और अगर आप देखेंगे इनकी क्वालिटी तो इस तरह के जो सामान है वो 1000 से ऊपर के मिलते हैं कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें सैफरॉन को 250 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी 249 से लेकर 300 तक का सामान, कभी 250 तक का सामान, 300 से ऊपर तक का सामान मिल रहा है। 1000 रुपए का सामान जिसका ओरिजिनल प्राइस है उसको डिस्काउंट करने के बाद 300, 250, 249 रुपए में मिल रहा है, और एक किलो ही नहीं दो दो किलो बेचा जा रहा है 250 रुपए में। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। भाई, ये चीज तभी हो सकती है या तो वो कंपनी बहुत बड़ी हो, उसके स्टोर में सामान सड़ रहे हो इसलिए वो बेच रहा हो, या फिर सामान बहुत खराब क्वालिटी को इसलिए बेच रहा हो, या तीसरी बात कि वो फर्जी हो। तो दोस्तों, ये एक फर्जीवाड़ा है। मैं इस तरह की वेबसाइट्स पता नहीं कितना रिव्यू कर चुका हूँ, मैंगो बेच रहा है, वो बेच रहा है, ये बेच रहा है, और सस्ते सस्ते दाम में बेचता है। तो ये एक फर्जी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ जाकर कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपका पैसा चला जाएगा, पहली बात तो आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा, और अगर बहुत गिरी हालत में, मुझे नहीं लगता कि डिलीवर होगा, अगर बहुत गिरी हालत में आपको डिलीवर हो गया तो डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, वो रहेगा नहीं, और आप कैंसिल, रिफंड, रिटर्न कराते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ना ओनर डिटेल्स है, आईडी देखिए कितनी फर्जी है, लोकेशन भी फर्जी है, ना ही इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये जो यूआरएल की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो डोमेन लगा है .myshopify.com, इस नाम से जितनी वेबसाइट आपको दिखेगी और उसके आगे कुछ और नाम हो, और जो डोमेन में .myshopify.com लगाए वो सब फेक वेबसाइट होती हैं। ये लोग यही कर रहे हैं, बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स इस सेम डोमेन से आगे कुछ और नाम जोड़कर ये लोग एड्स लगा दे रहे हैं और आप लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब क्योंकि दिवाली, दशहरा जैसे त्यौहार आने वाले हैं, तो लोग जाहिर सी बात है बिना सोचे समझे शॉपिंग करेंगे, और मेरा काम क्या है कि इनको एक्सपोज करना, आपके पैसे बचाना। और आप लोग क्या करते हैं बेवकूफ़ी कि कोई भी चीज़, कोई भी सामान जो सस्ते में मिल रहा है उसको बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, रिव्यू नहीं देखते हैं। रिव्यू देखिए तभी आपको पता लगेगा, और जब आप फंस जाते हैं तब आते हैं कि पैसा निकाल दो। भाई, चोर से कैसे पैसा निकलवा दिया जाएगा जब वो लोकेशन नहीं बताता, उसको पुलिस तो पकड़ पा नहीं रही है, तो मैं कैसे उसको पकड़ लूंगा। तो एक लीगल प्रोसेस होता है पकड़ने का, कि आप उस पर साइबर कंप्लेन करें उनके बारे में, अगर उनका ठिकाना या पकड़े गए तो फिर उनसे वसूला जाता, फिर आपके पैसे मिल भी सकते हैं। लेकिन बहुत कम चांस है कि अगर आपका साइबर फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, जिनका कोई लोकेशन ही नहीं है, तो आपको पैसे मिल जाए। तो दोस्तों, प्लीज़ इससे दूर रहें, ये एक फर्जी वेबसाइट है, अनसेफ वेबसाइट है, रिस्की वेबसाइट है। आपके साथ क्या हो सकता है मैं आपको बता ही चुका हूँ, और मैंने आपको दिखाने के लिए फर्जी एड्रेस भरा और सब कुछ ले लिया भाई साहब। और चीज़ देखिए, 7 दिन की डिलीवरी के लिए फ्री, और 2 दिन की डिलीवरी के लिए 39 रुपीज़ लगेगा। तो ये सब इन लोग का पैटर्न है, कैश ऑन डिलीवरी है नहीं है, पेमेंट पोर्टल आप जानते हैं, जितना भी ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल लगा रखा है कि आसानी से पैसा इनके पास चला जाए। और आप देखिए, जो आईडी है वो इनके नाम पे हाई नहीं है, एटीट्यूड जैकेट करके पता नहीं अलाना फलाना है। तो अनडिसेंड एड्रेस और ईमेल आईडी डालकर ये लोग आपको बेवकूफ बना लेते हैं, क्योंकि आप बेवकूफ हैं। आप क्यों इस तरह की शॉपिंग करते हैं बिना सोचे समझे, मतलब पैसा इतना फालतू आपका कि आप कहीं भी जाकर इन्वेस्ट कर दो, घर बैठे बटन दबाओ पैसा कट गया। तो ये सब हो रहा है, और कुछ लोगों तो मैंने देखा है कि अपने बच्चों को मोबाइल थमा रखते हैं और वो लोग पेमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये सबसे दूर रखिए, और अपने आप को भी बचाइए, और इस वीडियो को शेयर करके नेक काम करिए और दूसरों का भी पैसा बचाइए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।